हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जो एक्टिविटी नंबर 5 है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजिन कोड रिसाइकल सिंबल फॉर द प्लास्टिक ऑन द डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो आपने प्लास्टिक मटेरियल देखा होगा उस पर अलग अलग सिंबल के आपको ये दिखते होंगे, अलग अलग सिंबल दिखते होंगे, आपने पीछे देखा होगा, आगे देखा होगा, जो रिसाइकलिंग के लिए वो दिखाते हैं कि आप उसको रिसाइकल के लिए डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। तो अलग अलग टाइप के सिंबल होते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे हमें जो एक्टिविटी दिया है ये करने के लिए कहा गया है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो एक्टिविटी नंबर हमें दिया है और उसके बाद हमें एम दिया है, और यहाँ पे जो आइडेंटिफाई रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड उसका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है RIC का, और हमें बोला है कि इसके अंदर क्या करना है, हमें जो रिसाइकल सिंबल है प्लास्टिक के ऊपर वो हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये दिए हैं जो रिसाइकल के लिए अलग अलग जो प्लास्टिक होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले पॉलीथीन, टेट्रापैथलिक, तो उसके लिए क्या क्या सिग्निफाई होता है यहाँ पे आपको दिया गया है। तो उसके अंदर कौन कौन से जो प्लास्टिक के बोतल आते हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद हाईली डेंसिटी पॉलीथीन, उसमें क्या क्या आता है, जैसे शैम्पू हो गया, वाटर बोतल हो गया, मिल्क बोतल एंड द जूस जग्स, ठीक है, उसके अंदर ये जो हाईली डेंसिटी पॉलीथीन है ये यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है PVC, तो ये किसके लिए, पाइप के लिए, ये आपने सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, तो ये किसके लिए, प्लास्टिक बैग के लिए, शॉपिंग बैग के लिए, सॉफ्ट बॉटल के लिए, ट्यूब के लिए, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। सेम जो पॉलीप्रोपाइलिन है वो जो ऑटो पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के, आपने देखे होंगे जो गाड़ियों के आगे बहुत सारे डिज़ाइन के जो पार्ट्स लगाए जाते हैं वो सब प्लास्टिक के होते हैं, इंडस्ट्रियल फाइबर, ठीक है, फूड कंटेनर और माइक्रोवेबल वेब, ठीक है, वेयर्स। उसके बाद सिक्स्थ है पॉलिस्ट्रीन, तो ये इसका इस्तेमाल जो प्लास्टिक यूटेंसिल्स होता है, CD केसेस होता है, ठीक है, स्टीरियोफोम होता है, खिलौने होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैफेटेरिया ट्रे हो जाता है, तो ऐसे सब चीज़ों के लिए जो पॉलिस्ट्रीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेवन्थ है कि जो नाइलॉन होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, आपने देखा होगा जो बेबी फीडिंग बॉटल होता है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। और यहाँ पे आपको एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ गोरेशन हवाई का ये दिया है कि जो यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, द प्लास्टिक मटेरियल हैविंग द नंबर 6-7 R विथ द नो नंबर आर नॉट रिसाइकलेबल। तो वहाँ पे अगर आप यूनाइटेड स्टेट में अगर कहीं देखोगे तो अगर उस पर 6 और 7 नंबर लिखा होगा बॉटल पे प्लास्टिक के, तो वो रिसाइकल के लिए है। अगर उस पर कुछ नहीं नंबर लिखा है तो वो रिसाइकल के लिए नहीं है, ठीक है। उसके अंदर अभी क्या क्या अपैरेटस लगने वाला है, तो सबसे पहले ये वाला जो प्रैक्टिकल है उसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको प्लास्टिक लगेंगे, क्योंकि आप अलग अलग प्लास्टिक पे ये देखने वाले हो कि वो रिसाइकल के लिए यूज़ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो अपैरेटस होगा वही होगा कि इसके अंदर जितने भी आप ये लेने वाले हैं, जितने तरह के आप मटेरियल ले सकते हो प्लास्टिक के, जितने तरह के आप ले सकते हो उतने ज़्यादा आपके लिए जो समझने के लिए ये आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला है, और हमने जितने भी चीज़ें ली थी उसमें हमने रिसाइकल है, नॉन रिसाइकल है या किस तरह से है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे नोट करनी है। तो यहाँ पे जो मिनरल वाटर बॉटल होता है, पानी पीने का जो बॉटल होता है आपके फ्रिज में, वो रिसाइकल होता है। फिर जो सेल फोन होता है उसका जो बैक कवर आपने देखा होगा, आपने कभी ना कभी जो बैक कवर खरीदा होगा ट्रांसपेरेंट हो गया, फिर जो आपने एक जो स्ट्रॉन्ग वाला प्लास्टिक आता है उसका बैक कवर लिया होगा, तो वो सब भी क्या होते हैं, रिसाइकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है PVC पाइप, यानी जो आपने जो पानी का पाइप आता है आपके घर तक, उसमें आप जो PVC पाइप देखते हैं वाइट कलर का, वो नॉन रिसाइकल होता है, यानी उसको आप वापस रिसाइकल नहीं कर सकते। उसके बाद है प्लास्टिक बीकर, जो मेडिसिनल बॉटल होता है आपने लैब में देखा होगा या फिर दवाई की दुकान पे देखा होगा, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, रिसाइकल होती है। उसके बाद है बेबी फीडिंग बॉटल, बेबी फीडिंग बॉटल में यानी जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो बोतल इस्तेमाल की जाती है वो भी क्या होती है, रिसाइकल होती है। उसके बाद जो सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल होता है, यानी पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, थम्सअप हो गया,
ठीक है, मैंगो हो गया, माजा हो गया, ये सब चीज़ों की जो बोतल आती है वो सब क्या होती है, रिसाइकल होती है। उसके बाद जो प्लास्टिक कंटेनर होता है वो भी क्या होता है, रिसाइकल होता है। यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हमें क्या बोला है कि द फॉलोइंग सिंबल, तो ये सिंबल किसके लिए इंडिकेट करता है, यूनिवर्सल रिसाइकलिंग के लिए। दूसरा है द RIC कोड ऑन द कैफेटेरिया ट्रॉय ट्रे इज 6, यानी अगर आपको अगर कैफेटेरिया में अगर कोई भी रिसाइकलिंग वाला प्रोडक्ट दिखता है, प्लास्टिक दिखता है, तो उसके ऊपर 6 नंबर लिखा होगा, ठीक है। इफ रिसाइकलिंग और जो कोड है ऑन द प्लास्टिक मटेरियल इज 7, देन द दिस विच टाइप ऑफ मटेरियल विल बी देयर, तो वो कौन सा होगा, पॉली एसिटिक एसिड। अगर आपको अगर किसी प्लास्टिक के मटेरियल पे अगर 7 नंबर दिखता है तो वो समझ लीजिए कि वो पॉली एसिटिक एसिड है, ठीक है, उससे बना हुआ है। फोर्थ है द अगर जो आपका रिसाइकिल ऑटो व्हीकल्स का पार्ट होता है वो उस पर जो नंबर होता है वो क्या होता है, 5 होता है। और उसके बाद है द कोड यूज फॉर द रिसाइकल सिंबल ऑन द डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल इज RIC, यानी RIC का जो फुल फॉर्म है, यहाँ पे हमने देखा था कि उसका जो फुल फॉर्म है आइडेंटिफाई रेजिन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर था ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं कि वॉट इज इंडिकेट इफ देर इज नो सच सिंबल ऑन द प्लास्टिक मटेरियल, यानी अगर किसी भी प्लास्टिक मटेरियल पे अगर कोई भी सिंबल आपको नहीं दिखाई देता है तो साफ मतलब है उसका कि क्लियर एक मतलब होता है कि वो चीज़ क्या है, रिसाइकल के लिए यूज़ नहीं होती है। और जो आपका जो वीवरेज का बोतल होता है, अपने जो स्प्राइट हो गया, ठंडा हो गया, कुछ भी चीज़ें आप जो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं उस पर जो बॉटल होता है उस पर रिसाइकिलिंग के लिए 1 नंबर लिखा रहता है। एंड जो सिंबल यहाँ पे दिया गया है आपको रिसाइकल के सिंबल के अंदर एस लिख के दिया रहेगा, तो वो चीज़ उसके लिए होती है जो पॉली प्रोपिलीन होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो कंटेनर होता है, गुड कंटेनर, यानी सामान ढोने के लिए जो कंटेनर यूज किया जाता है वो उस पर नंबर लिखा होता है 5। एंड वॉट वॉज द पर्पज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ RIC इन 1988, तो सबसे मेन पर्पज़ क्या था कि अगर कोई भी हम प्लास्टिक का चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या रिसाइकल है या नॉन रिसाइकल है, इस ये देखने के लिए, ये जानने के लिए हम लोग ने क्या किया, जो RIC है वो 1988 में हम लोग क्या किया, प्रपोज किया यानी डेवलप किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी नंबर 5 है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। और अगर अगर आप We'll be right back.